Hello, my name is Charlie, OET Trainer. Uh, today's video is about uh, listening format. We'll be talking about uh, how many parts are there, how many questions are there, and I'll give you a brief overview how to attempt these questions. So uh, in OET listening, basically test is divided in three parts. It's called part A, Part B, and Part C. Or Test sequence uh, will be EC sequence, uh, ABC.

24 क्वेश्चंस। दिस ऑल 24 क्वेश्चंस आर बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स एक ही टाइप की कैटेगरी आती है इसके अंदर ठीक है सो इट्स वेरी सिंपल। दे आर टू एक्सट्रैक्ट्स 12 क्वेश्चंस ईज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट ए की जो थीम है दैट इज मेडिकल डायग्नोसिस बेसिकली इसके अंदर दोनों एक्स्ट्रैक्ट्स के अंदर एक डॉक्टर और पेशेंट की कन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर आमतौर पे डॉक्टर जो है वो डायग्नोस कर रहा होता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है मोस्ट केसेस देर इज़ अ न्यू पेशेंट जो कि फर्स्ट टाइम विजिट करता है डॉक्टर को एंड सम केसिसज देर इज़ रिव्यू पेशेंट जो कि सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहा होता है तो सीक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिर इसी तरह चलती है जो कि डायग्नोसिस को लीड करती है ना एस ए टेस्ट मूव टू पार्ट बी इन पार्ट बी देर आर एक्चुअली सिक्स क्वेश्चन जिसको हम एक्स्ट्रैक्ट वन एक्स्ट्रैक्ट टू थ्री एंड अपटिल एक्सट्रैक्ट सिक्स सो देर आर सिक्स डिस्टिंग क्वेश्चन या हम कह सकते हैं सिक्स सेपरेट क्वेश्चन होते हैं सो टोटल क्वेश्चन गेट इज सिक्स और यह सबके सब एम सी क्यूज़ होते हैं इसके अंदर सो इट्स अ बेस्ट चॉइस सिलेक्शन सो बेसिकली इसके अंदर ए बी सी आता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू द टेप आपने इसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना होता है एज फार एज अ थीम इज कंसर्न या इन क्वेश्चन की रिगार्डिंग uh, इन्फॉर्मेशन किस तरह की आती है बेसिकली ये सब के सब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के ऊपर होते हैं uh, इफ़ यू आर लाइक वर्किंग पर्सन मेडिकल प्रोफेशन के अंदर यू नो के डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैव देयर पॉलिसीज इवन वार्ड्स हैव देयर पॉलिसीज इंसिनरेशन की जैसे पॉलिसीज होती हैं या स्टाफ मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं इवन कुछ प्रोसीजर्स की पॉलिसीज हैं सो ये कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जो कि टेस्ट के उन्होंने मिडल में रखे होते हैं एस सोन एस टेस्ट फिनिशेज टेस्ट मूव टू पार्ट सी इन पार्ट सी अगेन यू गैट टू एक्सट्रैक्ट्स अगेन E1 वन एंड देन ई टू इन ईच एक्सट्रैक्ट यू गेट सिक्स क्वेश्चन ईच छः सवाल मिल आते हैं इसके अंदर आपको और ये भी सब के सब एमसीक्यूज़ होते हैं सो इन टोटल यू गेट 12 क्वेश्चन इन पार्ट सी पार्ट सी की जो थीम होती है वो बेसिकली मेडिकल रिसर्च होती है मेडिकल uh, रिसर्च से uh, मतलब ये है कि इट्स अ जनरल रिसर्च जैसे कोई भी नई ब्रेक थ्रू आ गई है कोई भी नई मेडिकेशन आ गई है Uh, कोई नया प्रोसीजर आ गया या कोई डॉक्टर ही है जिसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है कोई सक्सेसफुल सर्जन है या इवन कोई नर्स है उसकी कोई स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर एक जनरल सा वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या वो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट के अंदर होता है बट क्वेश्चन सारे एम सी बेस्ड होते हैं और ये चलते सीक्वेंस के अंदर है पार्ट सी और बी के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है इन ईच एक्सट्रैक्ट टेप स्टार्ट्स विद वन क्वेश्चन एंड देन स्टॉप्स डैन स्टार्ट्स अगेन डेन स्टॉप्स इट मीन्स छः क्वेश्चन सेपरेटली प्ले किए जाएंगे विद अ ब्रेक जिसके अंदर आपको रीडिंग टाइम मिलेगा और आपको लिसन टाइम मिलेगा और आपने मैच करना है कंपेरेटिवली जो यहाँ पर एक्स्ट्रैक्ट है ये छः क्वेश्चन की टेप कंटिन्यूस चलती है फिर आपको एक ब्रेक दिया जाता है फिर आप इसकी दोबारा टेप सुनते हैं और छः क्वेश्चन की टेप इकट्ठी चलती है सो आई होप आपको इसका फॉर्मेट समझ आ गया होगा अब हम इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है इन पार्ट ए एक्सट्रैक्ट वन से पहले और एक्सट्रैक्ट टू से पहले आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है एंड इन बोथ एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पे थर्टी सेकेंड्स ईच आपको टाइम मिलता है सो गेट थर्टी सेकेंड्स टू रीड द ट्वेल्व क्वेश्चन इसमें एक बीप की साउंड होती है जो कि इंस्ट्रक्शन में आपको पहले बता दी जाती है जैसी बीप की साउंड आती है आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है एंड देन यू लिसन एंड यू आंसर द क्वेश्चन इसमें बेसिकली जो टेक्निक आप यूज़ करते हैं उसको हम डू वाइल लिसन करते हैं आपने सुनते सुनते आंसर्स को राइट करना होता है इस एक्सट्रैक के एंड पे या इस एक्सट्रैक्ट के एंड पे आपको टाइम नहीं दिया जाता सो so बेसिकली आप सुनते सुनते सारे आंसर्स माइक मार्क करते हैं इफ़ य कम टू वर्ड्स पार्ट बी यहाँ पर भी आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है फॉर ईच कसचन बेसिकली यू गेट फिफ्टीन सेकेंड्स पंद्रह सेकेंड का गैप आता है उसके बाद उसकी टेप टेपले की जाती है और फिर टेप स्टॉप होती है फिर पंद्रह सेकेंड का गैप आता है उसकी टेपले की जाती है और फिर टेप स्टॉप होती है इंस्ट्रक्शंस uh, के अंदर क्वेश्चन के नंबर वो बोलते हैं इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होते हैं दे विल क्लियरली से मूव टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एंड वो इस तरह से इसको कवर अप करते हैं इन दीज एक्सट्रैक्ट्स बेसिकली यू गेट नाइन्टी सेकेंड्स ईच री टाइम के लिए यू get नाइन्टी सेकेंड्स टू रीड द सिक्स क्वेश्चन नाइन्टी सेकेंड्स के बाद अगेन बीप साउंड आता है आप ये सारे क्वेश्चन को कैटर करते हैं फिर उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर के एक्सट्रैक्ट टू पे जाएँ अगेन आपको 90 सेकंड्स दिए जाएंगे एंड देन यू आंसर द क्वेश्चन ना एम सी करने की जनरल uh, जो टेक्निक है स्टूडेंट इसको पढ़ते पढ़ते करते अगेन डू वाइल लेसन वाली है सेम स्ट्रेटी यहाँ पर अपलाई करते हैं वही स्ट्रेटजी यहाँ पर अपलाई कर रहे होते हैं बट एक्सपीरियंस ये मैंने किया है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम पार्ट बी और सी में आती है इट्स नॉट के कॉन्टेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है या टेप तेज हो जाती है आई डोंट थिंक सो इस तरह का कोई इशू है इशू आता है बेसिकली क्वेश्चन की टाइप्स को लेकर क्योंकि एम सी क्यू उसको डील करने का स्लाइटली डिफरेंट क्राइटेरिया है एज़ कंपेयर टू फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स तो डू वाई लिसन से बड़ी अच्छे तरीके से हो जाती है कि सुनते सुनते आप आंसर मार्क कर लें मगर यहाँ पर क्योंकि आपने मैचिंग करनी होती है सो so, बेसिकली आप करते क्या हैं आप टेप को सुन रहे होते हैं आप उसको समझ भी रहे होते हैं आप साथ साथ रीडिंग भी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ आप मैचिंग भी कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो आपकी मल्टी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है uh, इसको करने के लिए द बेस्ट स्ट्रेटी जो मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ दैट वीज द बैकवर्ड स्ट्रैटेजी या उसको हम एलिमिनेटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग थ्री क्वेश्चन आप टेप को जब सुनते हैं तो जो उसमें से ऑप्शन नहीं होता आप उसको सुनते सुनते माइनस करते जाते हैं एंड इवेंचुअली यू गेट द करेक्ट आंसर Uh, सुनने में शायद आपको लगे कि इट्स नॉट दैट ईजी टू अप्लाई बट अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें आप uh, अचीव कर सकते हैं बट अगेन फॉरवर्ड स्ट्रेटजी भी वैसी ही है कि आप सुने और डायरेक्टली क्वेश्चन पे चले जाएं या आप बैकवर्ड स्ट्रेटजी अप्लाई कर लें दोनों केसेस में इट इज़ अप्लिकेबल आपने ये देखना है कि आपका कंफर्ट जोन कहाँ पे है आपको कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छी लग रही है जिसको आप अप्लाई बेसिकली देर आर फोटी टू क्वेश्चन ऑल टुगेदर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन है एंड ट्वेल्व क्वेश्चन है अगर आप इन सबको एड कर लें सो दे ऑल टूगेदर बिकम फोर्टी टू क्वेश्चन सो पूरे टेस्ट के अंदर इंक्लूडिंग पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी दे आर फोर्टी टू क्वेश्चन इसमें से जो पासिंग स्कोर आपको चाहिए या जो बैंड आपको चाहिए जो भी करंट रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इज थर्टी सो यू हैव टू स्कोर थर्टी ओवर फोर्टी टू इट मीनस यू हैवे क्वेश्चन ऑफ राउंड अबाउट ट्वेल्थ क्वेश्चन तो अगर आप ट्वेल्थ मिस्टेक्स भी कर दें अगर आपके कुछ क्वेश्चन मिस भी हो जाते हैं स्टिल यू आर अचीविंग योर टारगेट एंड थर्टी मीन्स इसके जो रिफ्लेक्शन ओ वाले देते हैं दैट इज़ थ्री फिफ्टी जो कि बी ग्रेड में कंसिडर की जाती है सो यू एक्चुअली रिक्वायर थर्टी स्कोर ओवर फोर्टी टू एंड ये एक कम्बाइंड स्कोर होता है इसके अंदर कुछ इंडिविजुअल नहीं है कि आपको पार्ट ए में से इतना स्कोर करना है या पार्ट बी में से करना है या पार्ट सी में से टोटल फोर्टी टू क्वेश्चन हैं और आपको टोटल थर्टी स्कोर करना है सो so, इसमें किसी में कम आ जाए या किसी में ज़्यादा आ जाए इससे आपके ओवरऑल स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं आता सो इट्स थर्टी ओवर 42 टू एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू थ्री फिफ्टी स्कोर इन टोटल थैंक यू वेरी मच